छतरपुर जिले में कोरोना ने दी दस्तक। नौगांव में निकला कोरोना का पहला पॉजिटिव। 4 दिन पहले दिल्ली से लौटा था युवक, सैंपलिंग के बाद किया था आइसोलेट। नौगांव के बजरंग कॉलोनी एरिया धौर्रा रोड का निवासी है युवक। पूरी कॉलोनी को किया गया सील। स्वास्थ्य विभाग के बीएमओ रविंद्र पटेल ने की पुष्टि। एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओपी सहित स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस बल मौके पर मौजूद। छतरपुर जिले में कोरोना का पहला पॉजिटिव मरीज नौगांव में मिला। प्रशासन ने की अपील, घरों में रहें और बाहर निकलने पर पूरी सावधानी बरतें। MP7 न्यूज के लिए मुमताज खान। मरीज पाया गया है पॉजिटिव, कैसे जानकारी हासिल लगी और व्यक्ति की किस तरह से अब उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? इसमें अनुभागीय अधिकारी महोदय द्वारा मुझे निर्देशित किया गया कि कोई व्यक्ति बजरंग कॉलोनी में कोरोना का पॉजिटिव है, तो मोबाइल नंबर था, मोबाइल नंबर से संपर्क करने पर ज्ञात हुआ कि कोई संजू अहरवार करके है जो धौर्रा मंदिर के पास रह रहा है। तत्काल अनुभागीय अधिकारी पुलिस को और डॉक्टर साहब को इस संबंध में सूचना दी गई और पूरे सदल बल आके उसको संबंधित कोरोना पॉजिटिव को आइसोलेशन के लिए छतरपुर भेज दिया गया है और उनके पूरे परिवार को आगामी अगले 21 दिनों के लिए या 14 दिन जो भी निर्धारित होंगे उसके लिए होम क्वारंटाइन कर दिए। सर, नौगांव में और जिले में जिस तरह की जो ढिलाई दी गई थी फोर्थ लॉकडाउन में, क्या उसमें फिर से पाबंदियाँ लगेंगी क्या? इसमें जो भी शासन के निर्देश हैं वो पूरे लागू होंगे। इस एरिया को कंटेनमेंट एरिया में परिवर्तित कर दिया गया है और पूरी पुलिस व्यवस्था यहाँ रहेगी। संबंधित व्यक्ति के परिवार से कोई भी व्यक्ति अभी बाहर नहीं निकला। सर, बाजार भी यहाँ से पास में लगा हुआ है, तो कल क्या बाजार खुलेगा या बंद रहेगा? अभी तो जैसे शासन के कलेक्टर महोदय के आदेश होंगे उन सबसे आपको अवगत कराया गया। संदिग्ध पाया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है और किस तरह से जानकारी लेना चाहिए? सर, नौगांव में जैसे हमें जानकारी लगी कि अभी दिल्ली से 2 दिन पहले एक व्यक्ति यहाँ संदेह में आया था और उसने फोन करके हमको बताया कि मेरी रिपोर्ट आज आई है रविवार के दिन जो कि पॉजिटिव है। जैसे ही प्रशासन को पता चला तो पूरी टीम सहित श्रीमान SDM महोदय जी और अनुभागीय पुलिस अधिकारी जी, तहसीलदार महोदय जी, पूरे अमले के साथ हम लोग यहाँ आए हैं और उस व्यक्ति की हमने रिपोर्ट देखी। रिपोर्ट देखने के बाद ही पता चला कि दिल्ली में उसने उसका टेस्ट किया गया था, लेकिन उसको रिपोर्ट आने के पहले ही वहाँ से वो भाग आया। तो ऐसे यहाँ इससे सूचना दी तो उसको हमने प्रोटोकॉल के तहत जिला अस्पताल आइसोलेशन वार्ड के लिए भेज दिया गया है और फैमिली के जो सदस्य, 3 सदस्य और हैं, 4 सदस्य जो भी हैं, मम्मी पापा और उसकी पत्नी और उसकी बुआ, इन लोगों के सैंपल कलेक्ट कर लिए गए हैं और उनके घर को पूरा होम क्वारंटाइन कर दिया गया है और बाकी इस एरिया को कंटेनमेंट एरिया में बदल दिया गया। ठीक।